एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच गोर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटहें सब तेरे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै प्रताख गुरु निस्तारे कोट पराग हमारे खंडह अनक विधि समझावह हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावह हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावह जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरदे होए गुरमुख प्यारे सत संगी जनों फतेह प्रवान करनी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रहमत है जो सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी हजूरी अंदर जुड़ बैठण दा सुभाग आपां सभनां नूं नसीब होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र अमृतमई हजूरी अंदर जुड़ बैठ के आप जी सतगुरु पातशाह जी दी पावन पवित्र गुरबाणी दा रस प्राप्त कर रहे सी। मनुखता दे भले लई हजूर गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करदे हन चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार दे विचों अज दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र उपदेश आप जी ने सरवण कीता है। अज दा ए अमृतमई पवित्र उपदेश गुजरी राग दी वार दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा बख्शिश कीता होया अंग 517 दे उपर सुशोभित है। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीती अज दे इस अमृतमई उपदेश दे विच पहला श्लोक
आसा करता जग मुआ, आसा मरै ना जाए, नानक आसा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। ये जगत, ये संसार दुनिया दिया आसा बनाउंदा बनाउंदा बना बना के मर जाता है। आसा उथे दिया उथे ही खड़िया ने, किसी दी भी आस जेड़ा संसार विच आसा बनाउंदा है, हजूर पातशाह जी बख्शिश करते ने, कदे पूरी नहीं हुई। सब तो वड्डी मनुख दी आस, मैं सदीवी काल वास्ते जीउंदा रहा, ये कदे नहीं हो सकिया। हर यतन हर हीला मनुख दा हुंदा है किसी तरह मौत तो बच जावा, मरा ना। बजुर्ग तो बजुर्ग भी होवे उदी भी आस हुंदी अजे जिंदगी दे चार दिन होर जी लवा। हजूर पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते ने, कहते आसा करता जग मुआ, जगत संसार इस संसार दे जीव दुनिया दिया आसा बनाउंदे 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 मर जाते ने। आसा मरै ना जाए, वो आस उथे दी उथे ही रह जाती, आस कदे खत्म नहीं होंगी। भाव मनुख खत्म हो जाता है, उदे अंदर दी तृष्णा कदे नहीं मुकदी। मरदे दम तक मनुख दी तृष्णा नहीं खत्म होंदी, मरदे दम तक उदे अंदर दी लालसा, उदे अंदर दी भुख, उदे अंदर दे हवस एक कदे खत्म नहीं होवेगी। क्यों? हजूर पातशाह जी बख्शिश करते ने, उदा कारण है तृष्णा दा खात्मा है संतोख सिद्धक। विचार नूं दोहरावां, तृष्णा दा खात्मा की है? सिद्धक। अंधेरे दा खात्मा की है? प्रकाश। हुण कोई मनुख डांग लैके अंधेरे नूं डांगा मारी जावे कि यह दूर निकल जावे दूर निकल जावे, कदे नहीं होवेगा। अंधेरे दा खात्मा है प्रकाश, झूठ दा खात्मा है सच, ते तृष्णा दा खात्मा है संतोख सबर सिद्धक। जिस मनुख दे अंदर संतोख सिद्धक आ गया, सत करके जाने उहदे जीवन दे विचों तृष्णा खत्म, उहदे अंदरों भुख खत्म, लालसा खत्म। जिहदे अंदर सबर आ गया, वह कदे तृष्णा दे अधीन नहीं होवेगा। हुण ये सबर ये संतोख सिद्धक आउंदा कित्थों है? हजूर सच्चे पातशाह जी कहिंदे महासंतोख होवै गुर बचनी। ये गुरु दे शब्द विच्चों, गुरु दी बाणी विच्चों सबर संतोख मिलदा है। मैं कई बार देख के हैरान हुंदा संसार दी खेड, असी कितने तृष्णालू हो गए हाँ। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृतमई बाणी, आप जी गुरबाणी विच बड़े पवित्र बचन बख्शिश करते ने। आप जी कहते तृष्णा बूझै हर कै नाम, महासंतोख होवै गुर बचनी। परमात्मा दे नाम परमात्मा दे हुक्म गुरु दे बचन दे नाल गुरु दे शब्द दे नाल तृष्णा खत्म सबर संतोख मिल गया। आपां बचन पढ़ते हाँ गुरदेव जी का रोज ही नितनेम दे विच। आप जी कहते थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। सत उच्चा सुचा किरदार आचरण, वो जीवन जिस जीवन दे विच सच है, जिस जीवन विच दोगलापन नहीं फरेब नहीं कल्पना नहीं हकीकत है। संतोख भरोसा है सिद्धक है विश्वास है, भटकना नहीं। विचारो आत्मक जीवन की सोझी है सच्चाई की समझ है। पर साड़ी हालत की है? रसना नाल यही बचन पढ़ते हैं, थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, ते अरदास कर लग्या दुनिया भर दियां तृष्णा साड़ी अरदास दे विच।
बचन पढ़ते हाँ सतगुरु जी की बाणी दे जो तृष्णा का खात्मा करते ने। दुखांत यह है साडा कि जिहड़ी गुरबाणी सबर संतोख सिदक देती है तृष्णा नूं खत्म करती है असी उस गुरबाणी दे विचों भी तृष्णा लभण दा जतन करदे आ सबर संतोख वर्गे रब्बी गुण पासे करके। दुखांत भाव की है? भाव है गुरु शब्द की विचार नहीं है साडे कोल, बाणी पढ़दे जरूर हैं विचार नहीं है, गुरबाणी रसना नाल पढ़दे जरूर हैं पर समझन की कोशिश नहीं करते गुरु जी कह की रहे ने। साडी सुरत अखरा तक है शब्द तक नहीं पहुंची, यह दुखांत है साडा। इस दे विच हजूर जी ने तत्भाव की सानू बख्शिश किया है। मकसर एक बेनती करिया करदा, जिवें किसी मनुख ने किसी मंजिल ते जाना होवे उहदे हथ विच नक्शा हुंदा है, उस नक्शे के उपर चलदिया होया मंजिल ते पहुंच जाता है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र अमृतमई बाणी साडे जीवन का नक्शा है, जीवन का मार्ग है, ताकि जीवन की सांझ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जी नाल पै जावे। जीवन गुरबाणी के दसे मार्ग ते चले, जीवन गुरबाणी के अनुसार ही हो जाए साडा। प्यारियों मैं कल भी बेनती की सी, अज धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता दिवस है। अज दे दिन हजूर गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संपूर्णता की। आपां कुछ थोड़ा जा धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे इस पवित्र दिहाड़े दे नाल संबंधित विचारां सांझियां कर लईए। उस दे कारण ने सानू साडे मुढ दा पता होना अति लाजमी है। जे सानू मुढ दा धुरे दा पता नहीं ना होवेगा सत करके जाणियो असी भटकदे रहांगे ते कदे मुढ दे नाल सांझ नहीं पवेगी। जिन्हां नू मुढ दा पता सी ना, जिस वक्त बाबा राम राय ने गुरु नानक साहब जी के श्लोक का एक शब्द भी बदल दिता सी, भाव उहदा बदल के रख दिता सी, उन्हां गुरमुखां ने उस वेले लिख के भेज दिता सी सतगुरु पातशाह जी नूं, गुरु हर राय साहब जी नूं, सतगुरु तुहाडे बच्चे ने तुहाडे लड़के ने आ गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत बदल दिता है। क्यों लिख के भेजे सी उन्हां ने? उन्हां नूं मुढ दी जानकारी सी, उन्हां नूं पता सी गुरबाणी की है, उन्हां नूं पता सी गुरबाणी की महत्ता की है, उन्हां नूं पता सी गुरबाणी की कदर की है। साडा दुखांत सानू ते गुरबाणी की कदर का ही नहीं पता, असी ते केवल व्यापार का साधन समझी बैठे हाँ सतगुरु की बाणी नूं। साडे सामने कोई गुरबाणी नूं गलत बोल जाए सही बोल जाए, कोई गुरबाणी किसे तरीके नाल तोड़ मरोड़ जाए, मन घड़त तरीके दे नाल गुरबाणी दे अंदर कुछ पैठ करके उहदे उचारण ही बदल के रख देवे, असी अखां बंद करके कहने सानू की? इह दुखांत है साडा। भलियो साडी अखां दे सामने साडे प्यो दे नाल कोई बदतमीजी करे, साडे प्यो की कोई बेइज्जती करे, की बर्दाश्त करांगे? प्यो की कोई पग ला रहा होवे ना ते पुत अखां नाल देख के कवे सानू की? लोग कहणगे किते ना किते कोई नुक्स है, नहीं ते बाप की कोई पग नूं हथ पावे ते पुत बर्दाश्त कर लवे? झात मारो। धन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी चमकौर की गढ़ी दे अंदर सी, शाम का वक्त, भाई साहब जी ने बड़े प्यारे इतिहास दे विच पन्ने लिखे ने, कहिंदे गरीब नवाज सतगुरु पातशाह जी ने शाम के वक्त नितनेम किया ते दोनों साहबजादे सतगुरु जी के इर्द गिर्द बैठे सी। हजूर पातशाह जी ने दोनों लालां दे बड़े प्यार नाल मत्थे चुम ले, मत्थे चुमे ते साहबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह जी के मन में बड़ी खुशी आई, अज पहली बार गुरु पिता ने पुत्रां दे मत्थे चुमे ने। हजूर पातशाह जी ने दोनों बच्चों नाल लिया, गलवक्कड़ी च लैके सतगुरु जी हवेली के अंदर आ गए चमकौर की गढ़ी। गढ़ी का अर्थ है छोटा जा।